फाइनली हम लोगों का जो ड्रीम है इन दोनों घोड़ों को इकट्ठे राइड करना और एक ट्रेलर में लेके जाना, उससे शायद हम कुछ दूर हैं अभी, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जा सकता कि एक ट्रेलर में दो घोड़े चले जाएं, कभी भी वो लड़ सकते हैं, वो फॉर द बेस्ट। मगर पहले से दोनों घोड़ों के स्वभाव में काफ़ी अंतर आ गया है, अब बिल्कुल लूज रीन पे मैं घोड़े को चला रहा हूँ, तब भी घोड़ा कोई रश नहीं कर रहा, उम्मीद है कि पूरे रास्ते ये कोई रिफ्यूज़ल भी नहीं करेगा। सीधे सीधे घोड़े आप चलाते हो, आप अपने आप को बहुत बड़े सवार, बहुत बड़े ट्रेनर समझने लग जाते हो, मगर पता तब चलता है जब कोई टेढ़ी खीर आपसे पाला पड़ता है। जेटी मेरे लेफ्ट लेंगे, तो ये है, हम लोगों ने खैर इन टेढ़ी खीर को काफ़ी हद तक सही कर लिया। वरना आज तक जिन घोड़ों पे हमने सवारी की है, अगर रात को दिल किया कि 12 बजे राइड करनी है, तो घोड़ों ने कभी ना नहीं की, कभी धुंध में राइड की, बारिश को छोड़ के या एक्सट्रीम गर्मी को छोड़ के सब मौसमों में राइड की है, दिन के समय भी रात के समय भी। अगर दिलेर भाई ने मुझे बड़ा टक्कर दी है इस मामले में, अड़ने वाली और ना जाने वाली, और इसीलिए ये घोड़ा हमारे लिए चैलेंज भी है कि अगर हम इसको सुधार गए, इस पे काबू पा गए, तो किसी हद तक हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। क्योंकि आपका एक ड्रीम घोड़ा हो, ड्रीम कलर का घोड़ा हो, जिसको आप बहुत सालों से ढूंढ रहे हो, अभी हम उसको बड़ी आसानी से बेच दें इसलिए कि कुछ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, वो भी एक पॉइंट है, और या डर के बेच दें कि ये हमारे काबू में नहीं आ रहा, तो ये बड़ी ही हमारे लिए नामोशी वाली बात होगी। सो इस नामोशी से बचने के लिए ही हम इन घोड़ों को अभी नहीं बेच रहे हैं। दिलेर जब मैंने ख़रीदा था, तब भी हमारे एक दोस्त इसको ख़रीदना चाह रहे थे, मगर मुझे इसके ऐब मालूम थे, और मुझे ये बात आई कि आप या तो आके घोड़े को देख लो, या ऐसे ही फ़ोटो वीडियो पे मैं घोड़ा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं देगा जाके। सो जो भी दोस्त फ़ोटो वीडियो पे घोड़े ख़रीदते हैं, या तो ऐसे आदमियों से घोड़ा ख़रीदें जो बिल्कुल ही, जिन पे आपको यकीन है, जब ख़ुद जाके घोड़े को राइड करके ज़रूर देख लें, क्योंकि जिन लोगों ने घोड़े केवल और केवल राइडिंग के लिए लेने हैं, उनको तो बिल्कुल ही अपने घोड़े को चला के देख लेना चाहिए। अगर आपकी बॉन्डिंग घोड़े के साथ बनती है और आप एक कम्फर्ट लेवल में रहते हो घोड़े को राइड करके, तो ज़रूर उस घोड़े को ख़रीदिए। अदरवाइज़ राइडिंग का घोड़ा कभी भी ऐसे किसी से भी मत खरीदिए, चाहे भले मैं ही हूँ।